रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज बनाने वाली हूँ मैं मसूर पुलाव। तो यहाँ हमने लिया है 2 कप मसूर की दाल, इसको हमने 2 घंटा पहले भिगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिया है 3 गिलास यानी 3 कप चावल, इसको भी हमने धुल के इसको अभी भिगाई है। 15-20 मिनट हो गया है, आधा घंटा तक मैं भिगा के रखूँगी। और कुछ मसाले वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मसाले हैं। यहाँ पे हमने लिया है 5 मीडियम साइज के टमाटर, हमने इसको इस तरह से रफली काट लिया है। यहाँ पे 4 मीडियम हमने जो है प्याज लिया, उसको भी रफली काट लिया है। ओके, और 2 टीस्पून हमने लिया लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया धनिया पाउडर, ये है ये कड़ी पत्ता, ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये धनिया पुदीना बारीक कटी हुई 1 मुट्ठी है। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जो जाएंगे तो यहाँ से 20-25 है, काली मिर्च, दालचीनी लकड़ी, 2 तेज़पत्ते, छोटी इलायची, 1 जायफल और थोड़ी सी है जायफल के टुकड़ा। तो यहाँ पे हमने लिया 5 से 6 लौंग। तो चलिए देखते हैं किससे बनता है। सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो है 3 गिलास पानी डाल दिया, इसको रख दिया बॉयल करने के लिए। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा नमक, यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। ये देखिए अब इसको हिला दूंगी, इसको उबालने ये बॉईल करना है, इसको बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल में बॉईल आ चुका है, जो हमने ये साइड में इसका झाग निकल रहा है वो मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए झाग को निकाल देने का, ठीक है। तो इसको पका लेती हूँ, अच्छे से पकना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दाल ये मेरी पक चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है, मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए ये, तो अब जो है मैं गैस को बंद कर दिया है, अब इसको ठंडा होने देती हूँ और इसको छान लेती हूँ एक छन्नी से। दाल को बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाना, कि दाल खड़ी खड़ी होना चाहिए और पकी भी होना चाहिए। तो ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी है और बिल्कुल गल भी गया है। देखिए मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगा इसको पकने में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जो है पानी रख दिया गर्म करने के लिए, चावल बॉयल करने के लिए। तो इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, 4 टेबल स्पून नमक डालूंगी मैं, ताकि चावल में अच्छे से नमक आ जाए। और जो हमारे पास खड़े मसाले हैं वो भी डाल देती हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है 1 बड़ी इलायची लिया है, 3 छोटी, 5 से 6 लौंग है, दालचीनी लकड़ी, 2 तेज़पत्ते, तो इन सबको इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे हमने मिर्ची लिया है, अभी मिर्ची नहीं डालूंगी, जब मैं चावल को छानने वाली रहूंगी तो 5 मिनट पहले डालूंगी। पानी में बॉयल आ चुका है, मैं इसमें चावल डाल दूंगी। तो ये देखिए मैं चावल डाल रही हूँ, यहाँ पे हमने तेल रख दिया है, तेल हमने 1.5 कप रखा हुआ है, तेल ज्यादा जाता है इसमें। तो तेल में यहाँ पे आपको तिल दिख रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा तिल गिर गई है, तो तेल हो चुका है। तो मैं इसमें जो है जो प्याज काट के रखे थे 4 मीडियम वो डाल देती हूँ। और इसी के साथ में जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, लकड़ी, तेज, काली मिर्च, लौंग और 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है, वो भी इसी में डाल दूंगी। यहाँ पे चावल में बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें जो है 6 से 7 हरी मिर्ची डाल दूंगी, मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्ची का। तो मैं चावल को कितना पकाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, इतना पकाना है कि 1 से 2 किनिक रह जाए बस। ये देखिए अभी तो इसमें बहुत सारे हैं, अब ये पका नहीं है, तो 3 मिनट और पका लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चावल हो चुका है, 80-85% पक चुका है और बाकी मैं दम पे पकाऊंगी इसको, तो इसको छान लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल को छान लिया है, इसमें जो खड़े खड़े मसाले हैं जैसे तेज पत्ता, लकड़ी, ये सारी चीजें मैं निकाल दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमने दाल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्याज भी मेरा मशाला से हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसको भी अच्छे से पका लूंगी। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ते, फ्राई हो जाएगा माशाल्लाह से, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लहसुन अदरक मसाला से भून चुका है, तब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, टमाटर को भी पकाना है अच्छे से। और इसी के साथ में मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर,
और इसी के साथ जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने दाल में भी डाले हैं, चावल में भी डाली हूँ, और इसमें सिर्फ टमाटर गलाने के लिए मैं डाल रही हूँ नमक। ओके, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दूंगी और बाकी इसमें मसाला नहीं जाएगा। फिर दम करने के टाइम मैं थोड़ा सा प्याज लास्ट, ये निकाल लिया हमने थोड़ा सा प्याज, ये डालूंगी और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है मसाले माशाल्लाह से भून चुके हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे देखिए मेरे जो है मसाले हो चुके हैं, तो मैं इसमें जो है दाल डाल देती हूँ, और साथ में मैं धनिया पुदीना डालूंगी और उसको अच्छे से मिला दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने भगवान में थोड़ा चावल डाल दिया है और अब इसमें डालूंगी दाल जो मैंने बना कर रखी है। ये परत वाली मैं बना रही हूँ पुलाव, तरह से आप बनाइएगा जरूर, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। ओके, यहाँ पे हमने दाल डाल दिया, नीचे चावल ऊपर दाल। अब उसके बाद मैं फिर वापस से चावल डालूंगी इस पर। ये देखिए इस तरह से प्लेट के जरिए से मैं सारा डाल देती हूँ फिर आप। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल डाल दिया, अब इस पर से मैं डाल रही हूँ हरी धनिया, और हमने जो थोड़ी सी फ्राई प्याज निकाला था वो भी डाल दूँगी। इसके साथ साथ डालूँगी थोड़ा सा मैं गर्म मसाला ऊपर से, और इस पर डालूँ थोड़ा सा गर्म मसाला 1/2 टीस्पून। इसे ऊपर से डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके साथ डालूंगी मैं एसएस केवा, हमारे पास एसएस केवा है, 2 से 3 बूंदे डाल दूंगी चारों तरफ से, बस हो गया। फिर इसको बंद करके कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। अब तो यहाँ पे हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखूंगी और 10 मिनट लो फ्लेम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर कर दिया है, 20 मिनट हो गया दम पे, तो हमने इसको बंद कर दिया था गैस। उसके बाद 15 मिनट के बाद अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए, ओह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं इसको आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में, वाह बहुत यम्मी बहुत टेस्टी है। तो मैं इसको जो है सर्व करूंगी टमाटर जो है टमाटर का मसूर पुलाव को जो है मैं यूज करूँ खाऊंगी इससे। मैंने यहाँ पे हमने जो है रायता भी बनाया है और टमाटो के सूपी, तो हमने सूप और रायता के साथ खाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमने शेयर कर लिया है मसूर पुलाव को, और यहाँ पे मैं मसूर पुलाव को यूज करूँगी खाऊंगी किससे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे टमाटो सूप बनाया है, हमने इसकी वीडियो नहीं डाला है। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में लिख के बताएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कैसे बनता है टमाटो सूप। और यहाँ पे हमने लिया है रायता, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको खा के बता देती हूँ थोड़ा से कैसे। हाँ, ये देखिए, आइए आप भी खाइए। वाह बहुत अपने बहुत टेस्टी बना है, यकीन मानिए आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा मसूर पुलाव बनाने का इस तरीके से, तो बहुत ये बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बना है, यकीन मानिए आप, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है क्लास, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।